5 जुलाई 2023 फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप की पेरेंट कंपनी मेटा इलॉन मस्क की कंपनी ट्विटर को कंपटीशन देने के लिए एक टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन थ्रेड लॉन्च करती है और लॉन्च होने के 7 घंटे के अंदर ही ये एप्लीकेशन 10 मिलियन यूजर को साइन अप करके चैट जीपीटी का रिकॉर्ड तक तोड़ देती है। इससे पहले चैट जीपीटी ने 1 मिलियन साइन अप 7 दिन में अचीव करने का रिकॉर्ड सेट किया था। थ्रेड के लॉन्च होने के बाद मानो इंटरनेट पर मीम का सैलाब आ गया। और यही नहीं, ये थ्रेड ऐप ने शुरू कर दिया 2 बड़े बिलियनर्स मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क के बीच अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर साबित करने की राइवलरी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ट्विटर वर्सेस थ्रेड की राइवलरी की पूरी कहानी और किस वजह से ये ऑनलाइन राइवलरी केज मैच तक पहुंच गई। तो पूरे टॉपिक को अच्छे समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस सब की शुरुआत होती अक्टूबर 2022 में, जब टेक बिलियनर इलॉन मस्क ट्विटर को अक्वायर करके उसकी मॉडरेशन पॉलिसी में चेंजेस करते हैं, जहां पर इलॉन मस्क नई पॉलिसी के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा देते हैं और नफरत फैलाने वाले ट्वीट्स को डीमोनिटाइज और डीबूस्ट करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद कुछ ट्विटर यूजर्स इलॉन मस्क का सपोर्ट करते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स इलॉन मस्क के अगेंस्ट जाकर टम्बलर, हाइव और मैस्टरडन जैसे दूसरे अल्टरनेट ऐप्स पर स्विच कर जाते हैं। लोगों का तेजी से दूसरे ऐप की तरफ स्विच करने की वजह से मेटा कंपनी को एक नई एप्लीकेशन की इंस्पिरेशन मिलती है और मेटा कंपनी के एम्प्लॉय एक नए टेक्स्ट बेस्ड फीचर वाली इंस्टाग्राम नोट्स पर काम करना शुरू करते हैं। जी हाँ, थ्रेड के लॉन्च होने से पहले इस ऐप का नाम इंस्टाग्राम नोट्स होने वाला था, लेकिन जनवरी 2023 से मेटा कंपनी इस ऐप पर सीक्रेटली कोड नेम प्रोजेक्ट 92 या P92 के नाम से काम करना शुरू करते हैं, जिसके बाद इस ऐप को 3 जुलाई 2023 को एप्पल स्टोर पर अपलोड कर दिया गया था, लेकिन 6 जुलाई की रिलीज डेट के साथ। लेकिन फाइनली जाकर 5 जुलाई 2023 को मेटा ऑफिशियली थ्रेड को यूरोपियन यूनियन को छोड़कर इस ऐप को 100 कंट्रीज में लॉन्च करती है, जिसके बाद जाकर सिर्फ 7 घंटे के अंदर ही थ्रेड ऐप 10 मिलियन जितने यूजर्स अपने प्लेटफॉर्म पर साइन अप कर लेता है और सिर्फ 4 दिन के अंदर ही ये एप्लीकेशन 100 मिलियन यूजर तक क्रॉस कर लेता है। जिसके बाद जाकर इस मेगा लॉन्च के कुछ घंटे के बाद मार्क जकरबर्ग अपने ट्विटर अकाउंट पर स्पाइडरमैन फेस ऑफ मीम पोस्ट करके इलॉन मस्क को पोक करने के लिए और जाने अनजाने में एक टैग बैटल की शुरुआत कर देते हैं, जिसके बाद इलॉन मस्क कौन सा चुप बैठने वाले थे, इसलिए इलॉन मस्क अपने ट्विटर अकाउंट पर मार्क जकरबर्ग का रिप्लाई देते हुए कॉम्पिटिशन इज फाइन चीटिंग इज नॉट नाम का पोस्ट करते हैं। और यही नहीं, थ्रेड के लॉन्च होने के बाद इलॉन मस्क ने इस एप्लीकेशन को कॉपी कैट तक बोल दिया। पर ऐसा नहीं है कि मेटा कंपनी पर पहली बार किसी चीज को कॉपी करने का आरोप लगा हो, क्योंकि इससे पहले मेटा ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्टोरी फीचर स्नैपचैट से टीपा था। और सिर्फ यही नहीं, शॉर्ट फॉर्म ऐप टिकटॉक की सफलता के बाद मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील तक लॉन्च कर दी थी टिकटॉक से कॉपी करने के बाद, जिसके बाद मानो हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मानो घमासान मच गया और हर कोई थ्रेड एप्लीकेशन को कॉपी करने के लिए ट्रोल करने लगा और लोग एक से बढ़कर एक ट्वीट्स और पोस्ट करते रहे। और यहाँ तक कुछ लोग ये तक पोस्ट करने लगे कि अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ सालों के अंदर मार्क जकरबर्ग इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट्स की मार्केट में एंट्री भी ले लेंगे, इलॉन मस्क की टेस्ला और स्पेसएक्स की तरह। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। इलॉन मस्क का एक ट्वीट करते हुए मस्क ने मार्क जकरबर्ग को एक केज मैच के लिए चैलेंज कर दिया और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मार्क जकरबर्ग ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट डालते हुए कैप्शन में सेंड मी लोकेशन लिखा। पर शुरुआत में लोगों ने इस केज मैच को सिर्फ एक मजाक में ही लिया और इस केज मैच को एक्चुअली में एक लीगल बैटल समझा, जहां केज या फिर कोर्ट के अंदर लीगली इस केस को सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि ट्विटर की लॉयर ने हाल ही में मार्क जकरबर्ग को एक लेटर लिखा और इस लेटर में मार्क जकरबर्ग को लीगली सू करने की धमकी तक दे डाली, क्योंकि इस लेटर के हिसाब से मार्क जकरबर्ग ने ट्विटर के एक्स एम्प्लॉयज को हायर करके ट्विटर कंपनी के ट्रेड सीक्रेट इलीगली इस्तेमाल करके थ्रेड एप्लीकेशन को ट्विटर के ही कॉम्पिटिशन में उतारा है। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब इस लीगल बैटल के बीच UFC के प्रेसिडेंट डाना वाइट्स का इंटरव्यू वायरल होने लगा,
जहां पर उन्होंने ये बताया कि हाल ही में उन्होंने इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग दोनों से ही बात करी है और दोनों ही बिलियनर्स इस मैच को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। I was talking to both Elon and Mark last night. Both guys are absolutely dead serious about this. और उनके हिसाब से ये मैच अगर सीरियसली हो गया तो ये अब तक की दुनिया का सबसे बड़ा मैच होने वाला है। It'd be the biggest fight ever in the history of the world. अब क्या इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग ने इस मैच की तैयारी शुरू कर दी है या फिर ये मैच सिर्फ एक लीगल बैटल तक सीमित है? और आपको थ्रेड और ट्विटर में से कौन सा एप्लीकेशन पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।